नमस्कार, मैं हूं अर्ची शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर, आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। चंद्रपुर जिले में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर शुरू हुई कार्रवाई। पहले दिन कई शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर की गई कार्रवाई। चंद्रपुर शहर के साथ जिले के सभी तहसीलों में ड्रंक एंड ड्राइव के तहत वाहन चालकों की जांच की जा रही है। इस कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग की सभी ओर प्रशंसा की जा रही है। राज्य के पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के पिताजी डॉक्टर सच्चिदानंद मुनगंटीवार का कल नागपुर में दुखद देहांत हुआ। उम्र के 91 वर्ष में उन्होंने आखिरी सांस ली। आज शाम को उनके पार्थिव शरीर पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। दुपहिया वाहन की पेट्रोल की टंकी की क्षमता 5.5 लीटर भरने की और पेट्रोल पंप पर 5.5 लीटर की टंकी में भरा गया 6 लीटर पेट्रोल। ये चमत्कार हुआ मुंबई के एक पेट्रोल पंप पर। इसकी शिकायत की जाने पर जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि वाहन चालक बनाने वाली कंपनी ने टंकी की क्षमता 5.5 लीटर की ना होकर 6 लीटर की है, ऐसा स्पष्टीकरण दिया है। मूल तहसील में हाल ही में हुए सेवा सहकारी तथा विविध कार्यकारी सहकारी संस्था के चुनाव के परिणाम घोषित हुए, जिसमें कांग्रेस का परचम चारों ओर लहराते हुए नजर आया। हालांकि मूल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का वर्चस्व रहा है, बावजूद इसके कांग्रेस की ये जीत आने वाले चुनाव में कई समीकरण बदल सकती है। सावली तहसील के पाथरी के एक वनपाल को 1 लाख रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। सागवान की यातायात के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए वनपाल कोड़ापे के द्वारा 1 लाख रुपयों की मांग की गई। बल्लारपुर पुलिस थाने में कार्यरत महिला पुलिस मोनल मेश्राम की एक गंभीर हादसे में हुई मृत्यु। बल्लारपुर से राजूरा की ओर दुपहिया वाहन से जा रही थी मोनल और एकाएक आयशर ट्रक ने पीछे से दुपहिया को टक्कर मार दी। दुपहिया पर से नियंत्रण खोने के कारण मोनल नीचे गिर पड़ी और घटनास्थल पर ही उसने अपना दम तोड़ दिया। और अब ब्रह्मपुरी तहसील से बहुत बड़ा खुलासा। ब्रह्मपुरी तहसील के मेंढकी तलोदी मार्ग पर स्थित गजानन पेट्रोल पंप पर पानी की मिलावट कर बेचा जा रहा है पेट्रोल। जी हाँ, पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरने के बाद कई दोपहिया वाहन रास्ते में ही बंद पड़े आए नजर। इस पंप की शिकायत खाद्य एवं दवा प्रशासन को की गई है। करोड़ों की लागत से बने मूल के बस स्थानक पर अब यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। जी हाँ, अक्सर 4 या 7 दिन की यात्रा करने पर एसटी द्वारा पास दी जाती है, जिसके कारण यात्रियों की आर्थिक बचत होती है। किंतु कई चक्कर काटने के बाद भी मूल बस स्थानक पर यात्रियों को लौटाया जा रहा है खाली हाथ। अब तो ऐसा लग रहा है मानो करोड़ों की लागत से बनाया गया बस स्थानक मात्र एक शोपीस बनकर रह गया है। और अब बात करते हैं नागभीर तहसील के तलोधी बालापुर की। चंद्रपुर एलसीबी टीम द्वारा नागभीर तहसील के तलोधी बालापुर केवल निश्चित एक फार्म हाउस पर छापा मारा गया है। इस छापे में करीबन 25 लाख रुपए कीमत का सुगंधित तंबाकू जब्त कर लिया गया और इस कार्रवाई में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वन जमीन की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया गया अहम फैसला। अब किसी भी राष्ट्रीय बगीचा एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की आरक्षित जंगल की सीमा रेखा से 1 किलोमीटर दूरी तक अब किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने या खुदाई करने पर रोक लगा दी गई है। तो सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में थी खबरें फटाफट, मिलते कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सी टीवी के साथ। नमस्कार।